और इस स्पॉट पे ना आपको हमेशा कोशिश करनी है जल्दी से निकलने की। सो फाइनली दिखाई नहीं दे रहा आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखें। वेलकम टू रियल फेस ऑफ कश्मीर, वेलकम टू पहलगाम। खाली आप लोगों से एक राय चाहिए कि व्लॉग्स में जो आपको अच्छा पार्ट लगता है ना, वो ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो और मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपना भी ख्याल रखें। इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। मौसम बहुत अच्छा है। वैसे सुना है कि चंदनवारी का रोड बहुत ही मुश्किल है, टफ है, तो देखा जाएगा, वो भी जाना तो है। विल सी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गो, लाइक कर दो पहले, ठीक है? हम चले अपने सफर पे। हमारा और सामान जो कि इसमें चेन है, लूब है, और इसमें जूता रखेंगे। जूते दो तीन उठाए थे मैंने, जिनमें से मैंने खाली दो का यूज किया। उसे बंद, आप ऐसा समझो कि ये जो पहाड़ी है ना मेरे सामने, इनके पीछे हमें जाना है। यहीं से आप बेता वैली का रास्ता है, यहीं से चंदनवारी का रास्ता है, और यहीं से अमरनाथ यात्रा भी जाते हैं। थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ से ब्लाइंड को स्टार्ट होते हैं। अगर हम राइट लेंगे तो बेता वैली है, और सीधे जाएंगे तो चंदनवारी। पहले हम चंदनवारी से होके आते हैं। देखो जी भाई, यहाँ से बहुत ख्याल रखना है। अभी शायद इस रोड की वाइडनिंग चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओहो, क्या नज़ारा है भाई। यहाँ पे रुके हैं सब, शायद बर्फ़ की वजह से स्पॉट जो है यहीं पे है, इससे आगे रास्ता नहीं है। रश देखो भाई, आई थिंक मुझे बाइक लेनी चाहिए ऊपर। खाली यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ा हुआ है मेरे लिए, चेन भी लगानी पड़ेगी तो लगाऊंगा, लेकिन यस। सलाम वालेकुम। हाँ जी, कर लिया तुम्हें सब कर लिया। थैंक यू थैंक यू। कहाँ रहते हैं आप? गुजरात से। अरे वाह, हाँ, गुड 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 लक। और चाय पिए? पी लिया? चलो मैं ऊपर से आता हूँ। ये हटा दो भाई साहब। हाँ थैंक यू। नहीं बस थैंक यू। टनल देख रहे हो भाई साहब? Yes! So finally! पहाड़ देख रहे हो ऊपर से? यहाँ से पूरा ब्लैक आइस है भाई, खाली मैं चल रहा हूँ इधर से बस। ओहो भाई 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 भाई, वहां से रोड फुल ब्लॉक, रास्ता यहाँ तक है बस। गाड़ी का शोर मुझे सुनाई दे रहा है। आई थिंक इस बर्फ के उस पार ना स्नो क्लियरेंस चल रही है, देखा जाएगा, हम भी तो देखेंगे। लेकिन बहुत खतरनाक है भाई। हाँ? बहुत खतरनाक है।
यस सुनो क्लियरेंस हो रही है उधर से। देखो जी इन सब जगहों पे ना बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि कभी भी ये बर्फ जो है पूरा सड़क पे आ सकता है, और इसका रीजन ये है कि अभी अच्छी खासी धूप भी है। ऐसा काम जब देखने को मिलता है ना तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। डिसअपॉइंट में शुपियां डिस्ट्रिक्ट में हो गया था बिकॉज वहां पे इतना अच्छा रोड और आराम से स्नो क्लियरेंस हो सकती थी। बढ़िया बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वहां पे लोग एंजॉय करते हैं और वहीं पे रोड जो है बंद है, ब्लॉक है। बाइक मैंने इस स्नो के उस पार रख दी एंड यहां से बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अरे भाई ओ हो भाई साहब, ये होता है जी मजा है। फंस गया। नहीं निकला। इस काम पे ना अभी बहुत टाइम लगेगा और हम चलते हैं आगे की ओर। तो इसके बाद यहाँ पे इनको बहुत मुश्किल पड़ाव है, ये भी क्लियर करना है। ओहो भाई साहब वाह, भाई साहब नीचे रोड बंद नहीं कर देना, मुझे वापस भी जाना है। ये देख रहे हो, बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, तो इनको हम काम करने देते हैं, हम अपने काम से काम रखेंगे। ठीक है देखो भाई यहाँ पे क्या है, और इस स्पॉट पे ना आपको हमेशा कोशिश करनी है जल्दी से निकलने की, ठीक है क्योंकि पूरा बर्फ है ना ऊपर। आपको आगे जाना है, आगे जाना है। ओके बड़ा अच्छा लगा काम देखते हो, थैंक यू। ये देख लो भाई अगेन, भाई मेरी बाइक बचा लेना यार। इधर बैठ के ना इतना अच्छा लग रहा है, 30 मिनट से मैं यहीं पे बैठा हूँ बिकॉज ऑफ दिस वेव, यू नो लुक। बाहर के लोग तो डरते हैं इधर से जाना, बट इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। ऊपर तक तो गया मैं, जहाँ तक पॉसिबल था वहाँ तक गया, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। द वेव अगेन, वाह वाह। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रुकना तो बनता है क्योंकि आज का जो काम चल रहा है ना वो इस स्पॉट पे चल रहा है। चंदनवारी की बात करेंगे ना तो यहाँ से वो 6-7 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि रोड वहीं तक था जहाँ पे आपने देखा। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया, आज यहाँ पे सब कुछ है भाई। अभी 1-2 महीने के बाद ना यहाँ से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जो आप बर्फ देख रहे हैं ना ग्लेशियर ऊपर, ये कुछ भी नहीं दिखेगा अभी 1-2 महीने के बाद। तो जितना हो सके इस जगह पे एंजॉय करें, और इसके बाद और एक स्पॉट लगता है इसका जो कि ऊपर है चंदनवारी में, तो वो मुझे लग रहा है अभी 10-15 दिन के बाद ओपन होगा। वाह वैसे इतने अच्छे लोग हैं ना, हर कोई चाय पियो चाय पियो, इतनी सारी मोहब्बत। थैंक यू सो मच फॉर द लव। इस लोकेशन से निकलते हैं, चलो भीरा बस वाला। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Yes. चलो शुक्रिया। ना 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 था था वहीं था वहीं था मादे पानस तकलीफ। हो 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 बिस्मिल्लाह। उफ इतना ट्रैफिक। कश्मीर की खासियत यही है, ये जो नज़ारा है ना ये कभी ख़त्म नहीं होता है।
फील द नेचर। तो ऐसी जगहों पे ना संभल के चलना पड़ता है। जल्दबाजी अगर आप राइडिंग पे निकलते हैं ना तो जल्दबाजी सोचिएगा भी नहीं। तो हेयर इज द बेताब वैली, बहुत ही खूबसूरत, कितना अच्छा है। अभी हमें वहाँ से नीचे वहाँ पे जाना है। व्यू देख लो भाई, बेताब वैली एंटर होने से पहले ये नज़ारा देख लें आप, माशाल्लाह। भीड़ तो अच्छी खासी है उधर। इट्स कॉल्ड बेताब वैली। बिस्मिल्लाह। सो दिस इज 100। ओके लेट्स मूव। थैंक यू, लेट्स गो। एंड बेताब वैली की टिकट जो है ना वो 100 रुपीज रहती है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ बेताब वैली, माशाल्लाह। देखा जी भाई, यहाँ पे तो बैठूंगा 5-10 मिनट, फिर उसके बाद इस लोकेशन से निकलते हैं। आज तो बहुत कम रश देखने को मिलेगा इधर, समर्स में फुल रश होता है इधर, बहुत भीड़ होती है भाई, यहाँ भर के होता है पूरा ये। कॉफ़ी पीने में मज़ा ही कुछ और है। कॉफ़ी हमने पी ली, अभी यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पहले पेमेंट करनी है मुझे। गूगल पे कूता शेज दून शेयर ट्रेबिस स्कैनर शेयर आना जी के शेयर मत अगर मेजी ना उस्तरा आता जोश कर तू उनसे ना उस्तरा कर रखा तू चलो जी नीर बात है हां नेरो चलो शुक्रिया अल्लाह ताला तेनो सेहत सलामत शुक्रिया देते सो दाई घर करन बिस्मिल्लाह आगे की ओर बढ़ते हैं जल्दी ले ला गाड़ी देखो जी इधर आगे बढ़ो अमृतसर क्या नाम है आ जा थैंक यू अमृतसर से बहुत प्यार मिला है लास्ट टाइम था मैं उधर थैंक यू इंशाल्लाह थैंक यू ओके थैंक यू। इधर का ये व्यू अगर आप नहीं देखेंगे तो क्या ही देखा कहते व्यू वाह। चलो जी आगे की और पहले मेन पहलगाम पहुंचते हम, उसके बाद आगे का सफ़र में बताऊंगा। मेन पहलगाम और यहां से लेफ्ट ना बहुत अच्छे स्पॉट पे हमारा रॉयल स्प्रिंग होटल है। अभी इस पर काम चल रहा है, काम ख़त्म करते ही मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा और फिर आप इजीली बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल आप रॉयल स्प्रिंग याद रखें। यहाँ से लेफ्ट जाते हैं बाईसरन, बाईसरन तो हम नेक्स्ट ट्रिप में रखेंगे। अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा आपको? यार कैसे कैसे लोग हैं ना, मेरे पीछे और एक गाड़ी थी, मैं उसके ऊपर चढ़ गया था। मूड ही खराब कर देते हैं ये लोग। ऐसे ड्राइवर तो होते हैं, 100 में से 10-15% आपको मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी आप ड्राइवर्स की ना बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं, चाहे तवेरा सुमो की बात करेंगे, लेकिन ये तो ऐसे मुझे मिलते हैं हर एक राइड में। मैं तो अक्सर नहीं रखता हूँ इनको अपने व्लॉग्स में, नहीं तो हर एक व्लॉग में मेरे साथ कुछ ना कुछ सीन हो गया। थैंक्स फॉर योर विजिट, प्लीज़ विजिट अगैन इंशाल्लाह। यहाँ पे क्या मसला है यार, इधर तो कभी ट्रैफिक जैम होता है नहीं। कुछ लड़ाई चल रही है यार। लो जी भाई केपी रोड अनंतनाग। देखो जी बच्चे क्या कर रहे हैं इस गाड़ी में पीछे। हाय लव यू क्यूट से बच्चे बैठे हैं पीछे। यस तो मेरे को ना रास्ते में ये बड़ा इशू कर रहा था, ये लाइट थोड़ी सी
यहाँ पे लूज हो गया था, तो अभी मैंने इसको सेट करवाया। अभी हम जाते हैं अपनी लोकेशन पे, मैं पहुँचा अभी। आप अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। अल्लाह हाफिज़। हाय ब्रो, जिम में है ना? चलो जी, दिस इज गेस द प्लेस।